केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने सरकार की ओर से जनहित में कराए गए कार्यों की जमकर सराहना की। इसके अलावा विपक्ष पर भी निशाना साधा। शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद लोकसभा का प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया रहे। कार्यकर्ताओं ने उनको बुके देकर और श्री राम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। आप सबके मन में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन, हालांकि भाजपा कोई पहली बात नहीं कर रही, अनेक बार पहले से भी करती चली आ रही, लेकिन प्रबुद्ध जन जैसा कि नाम है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आप सब एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी, क्योंकि हमेशा से चाहे आजादी से पहले आजादी के बाद आप सब तक एक प्रकार से समाज का मार्गदर्शन करने वाला है और ये सीधी भाषा में कहें तो ज्ञानवान प्रतिजीवी और एक प्रकार से चिंतक और एनालिसिस हर चीज को करने वाला एक वर्ग बैठा और समाज का जो नीचे का तबका है, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ कहीं ना कहीं विकृतियाँ कहीं ना कहीं सूझबूझ की समझ रहती है तो आप सब ही ठीक प्रकार से सही रास्ते का गंतव्य रास्ते का मार्गदर्शन करने वाला वर्ग। भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा से प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान किया है। इसके अलावा उन्होंने 9 साल के दौरान हुए कार्यों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 को हटाना हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम, पार्टी आगे रही है। उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में चर्चा की और बताया कि आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया है। नए संसद भवन का निर्माण ऐतिहासिक है। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग विकास कार्यों में अड़चन डाल रहे हैं जो ठीक नहीं है। 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जो अभी तक कार्यक्रम हुए हैं वो सब आपकी बल पर मैंने सफल करे हैं। आप सबको उत्तर दे जाता है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप सब कार्यकर्ताओं के और आगे आने वाले जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, चाहे मेरे जनप्रतिनिधिगण हो, अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, शिक्षक और खिलाड़ी और समाज सेवी, उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद में जो परचम लहरा रहा है वो इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है जो जिन कार्यकर्ताओं ने मुझको सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने का अंजाम दिया है। चाहे कोई भी चुनाव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधों पर चलकर वो मजबूत होता है और मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी आगे कार्यक्रम बचे हैं वो भी जितने सफल कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने तो संचालन महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने किया। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वैस्य, एमएलसी सतपाल सिंह सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका साथ ही रितेश गुप्ता, आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे।